जय माता दी। वेलकम बैक टू सोनिका किचन। हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे पूड़ी के साथ खाई जाने वाली आलू की सब्जी। तो आज हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल आलू की सब्जी। तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ये देखिए, ये मैंने 5 आलू लिए हैं जिन्हें मैंने बॉइल्ड कर लिया है, और 5 टमाटर लिए हैं, 4 हरी मिर्चें ली है, और ये अदरक का एक टुकड़ा लिया है। टमाटर, हरी मिर्च और अदरक को हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, टमाटर को मैंने रफली काट लिया है और अदरक के भी मैंने पतले पतले पीस काट लिए हैं, और हरी मिर्च के मैंने दो दो पीस कर दिए हैं। अब इसे मिक्सी में डाल के हम ग्राइंड कर लेंगे। टमाटर, हरी मिर्च, अदरक को हमने अच्छे से पीस लिया है और इसकी स्मूथ पेस्ट बना ली है। तो ये देखिए, लो फ्लेम पे मैंने एक कढ़ाई रखी है, इसमें थोड़ा सा रिफाइंड डाल देंगे। आप चाहें तो इसे मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं। तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे, और जीरे को हम 30 सेकंड तक अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए, 30 सेकंड हो चुके हैं, और ये मैंने 1/2 टीस्पून हींग ली है, उसे ऐड कर देंगे। आलूओं में जब हम हींग थोड़ी ज्यादा डालते हैं ना, तो बहुत ही टेस्ट आता है। अब इसमें 2 तेज पात ऐड कर देंगे, और ये मैंने 2 हरी इलायची ली है, उसे ऐड कर देंगे। इसे हम 1 मिनट तक स्टर करेंगे, जिससे कि इलायची और तेजपात अपना फ्लेवर छोड़ दें ऑयल में। इससे आलू में बहुत अच्छी खुशबू आती है। वो 1 मिनट हो चुका है। अब ये जो हमने टमाटर की पेस्ट बनाई थी, उसे ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब भी हम किसी सब्जी में टमाटर प्यूरी या टमाटर ऐड करते हैं, तो उसका कच्चापन खत्म करने के लिए उसमें नमक जरूर ऐड कर देंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ही ऐड करिएगा, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे मिक्स कर देंगे। फ्लेम को हम थोड़ा लो कर देंगे। टमाटर को हमें 5 से 10 मिनट तक अच्छे से भूनना है, तभी आलू की सब्जी आपकी बहुत टेस्टी बनेगी। जब आप टमाटर की प्यूरी इसमें ऐड करिएगा, यानी टमाटर की पेस्ट जब आप ऐड करिएगा, तो फ्लेम को आप जरूर लो कर दें, नहीं तो ऊपर तक छींटे आएंगी, इसलिए फ्लेम को थोड़ा लो कर दीजिएगा। टमाटर जो है हल्के हल्के दरदरे हो गए, यानी मसाला जो है अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो ये देखिए, 1 टीस्पून हल्दी ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून और सूखा धनिया ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे, और 1 टीस्पून भर के इसमें कलर वाली देगी मिर्च ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून इसमें पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे, ये जरूर ऐड करेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे, 1 टीस्पून इसमें भुना जीरा ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। अब मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, मसाला अच्छे से भून चुका है और ऑयल भी जो है चारों तरफ आ गया है। अब इसमें हम आलू ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, आलू को मैंने हाथ से ही क्रश कर लिया था, अब इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें आलू और मसाले को अच्छे से मिक्स करना है। आलूओं को मिक्स करने के बाद इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, फ्लेम को अब हम हाई कर देंगे और इसे बॉयल आने देंगे। ये मैंने फ्रोजन मटर लिए हैं, इसे ऐड कर देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, और इसको मिक्स कर देंगे। थोड़ी सी कस्तूरी मेथी ऐड कर देंगे, और ऊपर से हम धनिया जरूर ऐड करेंगे, और अब लास्ट में एक चम्मच देसी घी ऐड कर देंगे। लो फ्लेम करके अब इसको 2 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे। तो ये देखिए, लो फ्लेम पर मैंने 5 मिनट के लिए आलू को ढक के रखा था, अब प्लेट को हम हटा देंगे। तो ये देखिए, ऑयल जो है ऊपर आ चुका है, आलू हमारे यानी रेडी हो गए हैं। तो ये देखिए, आलूओं को हम एक बार स्टर कर देते हैं, आलू हो गए एकदम रेडी, और कितने बढ़िया बने, एकदम हलवाई की तरह। अब हम कर देंगे फ्लेम को ऑफ, और आलू की सब्जी होगी एकदम तैयार। इसे करते हैं गर्मा गर्म सर्व। थोड़ा सा इसमें हम चूर डाल देंगे। ये आपको हलवाई स्टाइल आलू की सब्जी जरूर पसंद आएगी। आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। बाय बाय।